गाड़ी बुला रही है का सिलसिला अब पहुंचा है कानपुर सेंट्रल, जहां पर हम जनमानस से जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। यूं तो कानपुर के ठग्गू के लड्डू बेहद ही फेमस हैं, लेकिन यहां के लोगों के मन में क्या है, आने वाले लोकसभा चुनाव से उनकी क्या उम्मीदें हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको ले चलती हूँ गाड़ी बुला रही है के सफर पर कानपुर से बनारस की ओर, और लोगों से बात करेंगे कि लोग आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं और क्या उनके मुद्दे हैं। तो चलिए चलते हैं कानपुर सेंट्रल से बनारस की ओर वंदे भारत ट्रेन में। आज आप देखिए आपकी गाड़ी टॉप गियर पे चलेगी, आपको गियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं। आज विकास की गति बहुत अच्छी है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। लहर तो बीजेपी गवर्नमेंट की है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। वंदे भारत ट्रेन का ये कोच है और गाड़ी बुला रही है, स्पेशल शूट पर मैं निकल पड़ी हूँ अपने सफर पर, और इस सफर के दौरान मैं जानूंगी कि पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक क्या चाहती है और उनके मन में क्या है, क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर, क्या बदलाव देख रहे हैं। केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या कुछ बदलाव नजर आते हैं आपको? बिल्कुल आते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, उस टाइम के आप देखिए चोरी के केसेस, रेप के केसेस कितने थे और अब कितने हैं, उसका परसेंटेज कितना था। आज आप रात को 11 बजे भी निकल जाओगे तो आपको इतना डर नहीं लगता। पहले था कि यार जाएंगे वहाँ पे सुनसान रास्ता है, कोई लूट ना ले, कोई कुछ ना हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के जहन में तो ये है कि वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को। नहीं मैडम, कुछ लोगों का होगा, लेकिन मैं आसपास का जो एनवायरमेंट देखता हूँ या जो मैं आसपास देखता हूँ, लेकिन मुझे उससे नहीं लगता। और आप आज से कुछ साल पहले देखिए रोडों में कितने गड्ढे थे या कितने थे, आज आप देखिए आपकी गाड़ी टॉप गियर पे चलेगी, आपको गियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर देखे तो कौन गियर में जाने वाला है? मैडम ये नहीं पता। आप बताइए सर, आप वोट करते हैं, क्या आपको लगता है अगर हम पहले की बात करें और अब की बात करें, क्या बदलाव देख रहे हैं और आने वाली जो भी सरकार होगी उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अभी क्या है कि पहले जो सरकारें थी वो अपने हिसाब से काम करती थी, अपने माइंडसेट से काम करती थी। अभी का जो एग्रेसिवनेस है, अभी सरकार का जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है और हमें इसका विकल्प कोई नहीं दिख रहा है, विकल्प नहीं दिख रहा है। और क्योंकि हम अगर बदलना भी चाहें तो हम किसको करें, क्योंकि हमको उधर केंद्र में कुछ दिखना चाहिए जिसको हम बदल के दूसरा ले आए। और हम जब वोट करने जाते हैं, हम अपने क्षेत्र विशेष से जो हमारे क्षेत्र में सांसद हैं, जो वो हमारे विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको भी देखते हैं। बाद में हम केंद्र को भी देखते हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जाके आखिरकार हमारा वोट जाया तो नहीं जाएगा, जाके हमारा वो बर्बाद कर दिया जाए। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। बाकी पिछले गवर्नमेंट से और बाकी अभी तो हमें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, जो भी चल रहा है वह सही चल रहा है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि बदलने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, किसको ला के बैठाएंगे, मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी क्या विकल्प देख रहे हैं? विकल्प कुछ नहीं है, वही है जो चल रहा है। क्या चल रहा है? जो है सेम टू सेम कंटिन्यू। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या ये कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल, ये इन माई ओपिनियन जो अभी का गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे विजन है, प्लानिंग है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता उनके पास पूरा स्ट्रक्चर है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, आप रोड के क्षेत्र में देखेंगे तो रोड का जाल बिछा हुआ है। एग्जाम्पल यदि आप किसी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड बनाता है, रोड बनाने में लेबर से लेकर सारे लोगों का जरूरत पड़ता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है। आप देखेंगे मेडिकल का क्षेत्र में बहुत सारे एम्स भी इनॉग्रेशन किया है अभी गवर्नमेंट ने। यदि मेडिकल का सुविधा बढ़ेंगे तो उससे क्या है कि लोगों का मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। जहां तक बड़ी सिक्योरिटी में बहुत सारे लॉ को इन्होंने चेंज किया है। कौन सी बड़ी उपलब्धियां देखते हैं आप? केंद्र सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रोड का बोलते हैं। रोड का इतना बड़ा क्रांति अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक नहीं आया है। दूसरी चीज है कि आपका मेडिकल सुविधा देखेंगे, बहुत सारे स्टेट में मेडिकल का जाल बिछा दिया। जैसे अभी पहले एम्स था एक दिल्ली में, अभी सारे स्टेट में एम्स है।
इनका एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत है। एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं है कि कोई 3 साल में कोई 4 साल में, एक नया एजुकेशन पॉलिसी ने गवर्नमेंट किया है, एक विजन। आप दूसरा चीज देखेंगे कि सबसे बड़ा केंद्र सरकार का यदि कोई उपलब्धि है वो फॉरेन पॉलिसी है। आज इंडिया का विदेशों में दबदबा है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट अमेरिका के पीछे लगते रहे, आज के डेट में इंडिया गवर्नमेंट के पीछे सारे लोग हैं। और जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेंगे, जो लीडर डेवलपमेंट करेंगे उसी को वोट करेंगे। तो इनका विजन बहुत अच्छा है, प्लानिंग बढ़िया है और काम भी बढ़िया है। तो विजन अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, काम अच्छा है, ये सोच के लोग वोट करेंगे। और अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम भास्कर है। तो भास्कर आप वोट करते हैं? यस, आई डू। यंगस्टर हैं तो क्या सोच रहे हैं कि आने वाली जो भी सरकारें होंगी वो क्या युवाओं के लिए क्या कुछ खास लेकर आएंगी या क्या डिमांड है आपकी? युवाओं के लिए मैम सबसे पहली चीज तो ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए, जो कि हो रहा है। आप लोग को भी दिख रहा होगा आज ढेर सारी ट्रेनें चल रही हैं, और जो कि ऐसे लेवल पे चलती हैं जैसे कि वंदे भारत चल रही है, फिर से आपकी नमो ट्रेन हो गई, तेजस हो गई। एंड मैं आता हूँ, अभी मैं बात करूँगा आपका साहिबाबाद से, एंड फिर शायद उन्होंने मेरठ को जोड़ा है RRTS से। वो ट्रेन मतलब कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो सकती है, और फिर वो बहुत अच्छी ट्रेन है, उसमें एक बार मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तो वो मेरे को अच्छी लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक इंडिया में डेवलप नहीं होगा, जब तक बाहर से कंपनियां इंडिया में नहीं आएंगी, ढेर सारे जॉब क्रिएशंस नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो उनसे आपकी ये उम्मीदें हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें? एग्जैक्टली, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका मजबूत होगा, ढेर सारी कंपनियां मतलब दूसरे देशों से आएंगी, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगी। दूसरी चीज, आपकी जो क्राइम रेशियोज होने की है वो नीचे आनी चाहिए। नो डाउट अभी भी क्राइम होते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली जो गवर्नमेंट होता है उसका रोल नहीं होता, उसमें रोल होता है जो आपकी पब्लिक होती है, जो सिटीजन्स होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। अभी मैं अनबायस्ड पर्सन हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने पीछे की भी जो गवर्नमेंट है, मैं तो बहुत छोटा था बट समाओ मैंने देखा हुआ है कि और जब गवर्नमेंट्स होती थी तो फिर वो कैसे रूल करती थी। अभी जो भी गवर्नमेंट्स है जो रूल करती हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस है, और फिर जो रूल्स होती हैं, रूल ऑफ लॉज होते हैं लोगों को लेके, स्ट्रिक्टनेस, ये अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए। विकास के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो कोई विमेन सेफ्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और ये उनके मुद्दे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप कहाँ जा रहे हैं पहले तो मुझे ये बताएं। बनारस। आप वोट करते हैं? बनारस के रहने वाले हैं क्योंकि कानपुर के रहने वाले हैं। अगर हम देखें जो सरकारें अभी चल रही हैं या आने वाले समय में क्या लगता है और कितना बदलाव आप देख रहे हैं कानपुर में या उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखो, मैं अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव हम पूरे देश में देख रहे हैं। जब देश में होता है तो निश्चित ही प्रदेश और प्रदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट पर ये विकास देखा जाता है। और रही बात इस समय विकास की, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि आज विकास की गति बहुत अच्छी है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो। और जिस सरकार द्वारा शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, निश्चित ही उस देश की जनता का विकास होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित ही रोजगार का अपना देखेंगे, स्वास्थ्य जब सही होगा तो निश्चित ही वो लोग और अपनी चलेंगे। और हमारी सरकार इस समय बदलाव कर रही, समय समय पर बदलाव तो करती रहती है। आप बात कर रहे हैं बदलाव की, कौन कौन से अगर उपलब्धियों के तौर पे बड़े बदलाव देखे जाए? जैसे उन्होंने देखो अभी जो IPC, CRPC और एविडेंस में बदलाव किया वो बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव है, और निश्चित ही ऐसा है जो वास्तव में हम लोगों की पुरानी प्रथाओं को तोड़ रहा है। जो रूढ़ थी, जो पुराने कानूनों थे, उनका बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। जो निर्धारित की गई, जो हम लोगों के अभी IPC, CRPC और एविडेंस में बदलाव किया, उस निर्धारित कर दिया उन्होंने कि इतने दिन में ये करना है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव मांगने वाले 2-4-5-10 साल में बहुत अच्छा देखेंगे। लेकिन विपक्ष तो कई तरीके की बातें करता है। देखो, कोई भी जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसका निश्चित ही एक नेगेटिव होता है, लोग जरूर बुराई करेंगे, और हर अच्छे काम की बुराई होती है। अगर बुराई नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, तो फिर उस पर अमल नहीं होता है, और ये अच्छी बात है। जब तक बुराई नहीं होगी किसी अच्छे कार्य, तो उसका अमूल परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। तो अब चुनाव के तो थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो किधर की लहर चल रही है?
देखो अभी जो हमारी सरकार इस समय वर्तमान समय में है वास्तव में वो अच्छा कार्य कर रही है। तो यहाँ पर वोटर्स का कहना है कि बड़े बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो रेल का बदलाव हो या सड़कों का बदलाव हो। तो इसी के साथ वो अपने वोट के लिए जाएंगे, लोकसभा 2024 के चुनाव जो होने वाले हैं, आने वाली सरकार जो भी होगी उससे वो यही उम्मीद कर रहे हैं। और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं तो बनारस जा रहा हूँ, भानु प्रताप सिंह नाम जी। जी तो भानु जी आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या आवाज चल रही है, किधर की लहर चल रही है? लहर तो बीजेपी गवर्नमेंट की है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। जो भी विकास का जो भी दौर चल रहा है, कहा भी जा रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में, तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, आना भी चाहिए। जो अच्छे काम करेंगे वो तो आएंगे ही, क्योंकि मैं तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ जहाँ भी, चाहे रोड से लेकर के हो गया या हमारे सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो भी चीज़ है, तो एक तो क्लियर कट उनके आदेश होते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में हम जहाँ से आते हैं तो लग रहा है उसे ही, तो मतलब हमें अभी दबाव नहीं महसूस हो रहा है उस चीज से। अच्छा, दबाव महसूस नहीं हो रहा है। तो क्या पहले की जो सरकारें थी उनमें ये चीजें नहीं हो पाती थी, वो पूरी हुई है या फिर अभी और भी उम्मीदें हैं? नहीं जी, वो पहले की गवर्नमेंट जो थी उसमें ये उम्मीदें नहीं थी। अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट है मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छा काम हुआ है और अच्छे डिसीजन लेते हैं। अगर डिसीजन की बात, आपने डिसीजन की बात की है, तो कौन से ऐसे डिसीजन है जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित है? जी देखिए, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सेना को फ्री कर दिया गया है, छूट दे दिया गया है कि अपना कार्रवाई जैसा अगर लगता है आप कर सकते हैं जी। तो एक तो ये हो गया सिक्योरिटी, दूसरे अब वेल प्लान करके चलते हैं ये लोग, कुछ भी हो और पहले से प्लानिंग है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें, जैसे जो योजनाएं निकाले हुए पीएम जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो वो अपने अलग अलग मुद्दे लेकर वोटिंग सेंटर तक जाएंगे। क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हैं? मैं नेपाल में रहता हूँ। अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे हुआ। तो दुबे जी, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके की हवा जो है वो चुनाव को लेकर चल रही है और क्या उम्मीदें आने वाली सरकार से? ये बहुत ही अच्छा संकेत है, जो कमल खिल रहा है, पुनः कमल खिल रहा है और भाजपा की पुनः सरकार बन रही है, बहुत ज्यादा सीटों से बन रही है, क्योंकि हर जगह जो सिस्टम है वो एकदम अच्छा सुपर हुआ है। और एक्चुअली तो मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये देश की बात है, लेकिन मैं अग्रिम शुभकामना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं और आपने तो भविष्यवाणी भी कर दी है। तो अब भविष्यवाणी तो की है, तो कितने सीटों से? 400 से ऊपर 23-24 होगी। आप 400 से ऊपर कह रहे हैं? एकदम होगी, जैसे भी होगी। तो इतना बड़ा जो दावा कर रहे हैं, कौन सी ऐसी उपलब्धियों पर ये दावा कर रहे हैं आप? हर जगह जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचार नहीं है, सभी लोग सिस्टम में आ गए हैं, दंगा कम हो गई है, पुलिस प्रशासन ने अपना ड्यूटी बहुत अच्छा से कर रहे हैं, रेलवे भी जहाँ भी अपना सिस्टम, जैसे ये वंदे मातरम में हम बैठे हुए हैं, इतना सुविधा वंदे भारत में बैठे हुए हैं, इतना सुविधा है, इस कारण से हमें तो बहुत ही, नेपाल में भी सभी लोग ये चर्चा में है कि पुनः भारत में भाजपा आ रही है। तो आप कहना चाहते हैं मेरा देश बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, आपका देश बिल्कुल बदल रहा है जी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या चुनावों में क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार मोदी जी आएंगे। क्यों ऐसा लगता है? उपलब्धि है मोदी जी की, बहुत बड़ी उपलब्धि है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और विकास ही विकास है, हर जगह विकास है, अब जिस तरफ भी देखिए विकास की ही लहर है और हमको लग रहा है कि 400 से प्लस ही इस बार है कि आने की। तो आप कह रहे हैं कि विकास है, अगर सरकार ये आती है तो फिर क्या आपके आने वाली सरकार से उम्मीद क्या है, अब अगला क्या? अच्छे से इससे भी बेटर काम हो, जो काम अभी हुआ है इससे भी बेटर काम हो,
रोजगार मिले लोगों को। लेकिन विपक्ष तो बहुत सारी बातें कह रहा है कि भ्रष्टाचार है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, इस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से भी आ रही है। उन्होंने तो एक गठबंधन भी कर लिया बिहार में, जो गठबंधन हुई बिहार की गठबंधन की बात, इंडी गठबंधन जो किया, तो वो तो कह रहे कि हम सब इकट्ठे होकर इस चुनाव में उतरेंगे। वो तो चुनाव में उतरेंगे ना, पर मोदी जी तो शेर है, अकेले ही उतरेंगे, फिर तो अकेले ही आते, वो तो झुंड में आएंगे। यहाँ पर तो भविष्यवाणी भी की जा रही है, प्रेडिक्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो वोट के बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ क्योंकि लोग अब ट्रेन में व्यस्त है और हम भी अब उन्हें व्यस्त रहने देंगे, क्योंकि बहुत सारा लोगों का हमने समय लिया, लोगों से बात की, तो अब लोगों की ये जो उम्मीदें हैं वो देखनी होगी कि आने वाले लोकसभा 2024 में किस तरीके से पूरी होंगी। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ रचना, न्यूज 18।